दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। पिछले 4-5 दिन से कोई वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। आज फ्री था, ऑफ का दिन था, तो सोचा कि हाँ थोड़ा फ्री हैं तो वीडियो भी बनाई जाए। दोस्तों अभी चलते हैं वॉक पे और करते हैं बातें आगे चलते चलते हुए। हाँ तो दोस्तों चलते हैं, साथ में वॉक भी करेंगे और मेरे को थोड़ा एटीएम पे भी जाके आना है। तो दोस्तों चलते हैं, मुझे थोड़ा सा मेरा सीढ़ियों पर लाइट नहीं जलाई हुई इसने आज, मुश्किल नहीं है जाना मेरे को उसी जगह है, लेकिन अब प्रॉब्लम वहाँ पे है कि अभी साधन बहुत है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे जाके आऊँ, पहले एटीएम जाऊँ या फिर पहले दूसरी जगह जाऊँ। लेकिन देखते हैं चलते हैं। मैंने एक मेरे फ्रेंड को कॉल भी किया था, लेकिन वो अब कॉल उसने पिक नहीं किया, शायद वो कहीं पे बिजी होगा। ये मेरे पीछे टेक्सटाइल शॉप रिटेल। अब तो दोस्तों मैं रोड पे आ गया, मेन रोड से थोड़ा दूर एक और रोड है उस पे आ गया और वो जा रही है आगे, नेस्टो है ये हाइपर मार्केट उधर, और उसकी बैक साइड में पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप के पास एटीएम है। तो वहाँ से कैश निकलवा के लाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मेरे को अभी थोड़ा आज मज़ा ये हुआ कि ऑफ का दिन था और रूम पे सिलेंडर ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो वो सिलेंडर वाले आ जाते हैं इसी एरिया में होते हैं, लेकिन उनको फिर भी कैश देना पड़ता है, तो इसीलिए मैं सोचा कि चलते हैं एटीएम चलते हैं और कुछ पेट्रोल करवा के लाएंगे। तो अब आ गए हम मार्केट के पास, तो मेरे पीछे जो है ये एक मार्केट है, लेकिन इस मार्केट को क्रॉस करने के बाद एक हाइपर मार्केट बड़ा मार्केट है, उसकी बैक साइड में एटीएम है। देखते हैं आज एटीएम भी ये मिलेगा या नहीं, क्योंकि बहुत से टाइम क्या है कि ये पेट्रोल पंप के बिल्कुल नज़दीक है, तो लगभग अमाउंट लोग विड्रॉल कर लेते हैं, इवनिंग टाइम हो गया, पता नहीं कैश होगा भी या नहीं होगा, जाके चेक करते हैं। हाँ तो दोस्तों सीन वही हुआ जो बोला था, एटीएम में कैश नहीं मिला मेरे को। चलो मुश्किल नहीं है, फ्रेंड को मैसेज किया, वो कैश लेके आएगा मॉल के एटीएम से। लेकिन अभी मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि मेरे को वॉक पे भी जाना था, लेकिन मैंने अभी उसी पार्किंग में देखा तो अभी बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी है, तो मैंने कहा थोड़ा रुक के चलते हैं। लेकिन उससे पहले बैठ जाते हैं कहीं पे 10 मिनट, हवा अच्छी चल रही है। यहीं पे नज़दीक में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे छोटा सा, जहाँ से कई बार मैं खाना ऑर्डर कर लेता हूँ, वहीं पे चलते हैं, वहाँ पे जाके 10 मिनट बैठेंगे, इतने में टाइम हो जाएगा, मॉल क्लोज होगा तो पार्किंग खाली हो जाएगी, फिर वॉक कर सकते हैं। चलते हैं रेस्टोरेंट के पास, ये देखो सारी गाड़ियाँ, लगभग इसमें से वो है रेंटा कार, रेंट पे ले सकते हो, और ये वो फूड मेकर हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट बैठते हैं फिर चलते हैं फूड मेकर। हाँ तो दोस्तों अब माया घूम के एटीएम जाके आया, मेरे को एटीएम में पैसा नहीं मिला, वहाँ पे एटीएम खाली था, लेकिन अब मैं आके हुए अभी एक
मेरे रूम के नज़दीक में ही है, रेस्टोरेंट है फूड मेकर के नाम से, वहाँ पे आके बैठ गया। इतने में एक फ्रेंड की कॉल आ गई, वो बोलता है इधर रूम पे आ जा। मैंने कहा चल ठीक है, मैं देखता हूँ 10 मिनट में बताता हूँ तेरे को। तो 10 मिनट में मैं जाके, अगर इधर पार्किंग खाली हो गई तो वॉक पे जाऊँगा, नहीं तो फिर उसके पास जाऊँगा, आज मिलवाता हूँ मैं आपको अपने फ्रेंड से। दोस्तों रेस्टोरेंट पे बैठे बैठे मेरे को एक काम याद आ गया, क्योंकि मेरे पास हैंड वॉच पड़ी है 2-3 अच्छी क्वालिटी वाली, लेकिन उनकी बैटरी ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि ये जो सामने की सुख बन रही एक मार्केट है, तो इसमें शायद बैटरी मिल जाए मेरे को। देखते हैं कौन सी दुकान में मिलती है। फ्रेंड भाई साहब से पूछा तो ये बोलते हैं यहाँ पे नहीं, जब नेक्स्ट टाइम एंट्री करेंगे तो लेफ्ट साइड में मोबाइल की छोटी छोटी दुकान है, वहाँ पे मिलेगी। तो चलते हैं, करते हैं नेक्स्ट टाइम ट्राई। लेकिन काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था लेने का, भूल जाता हूँ या फिर कहीं बाहर की मार्केट में जा ही नहीं सकता। और मॉल में मैंने एक दो जगह देखा, वहाँ पर मेरे को मिली नहीं, सस्ती वाली वो ब्रांड नहीं था, वो वाला मिल रहा था। लेकिन अब वॉचेस ब्रांडेड है तो उनके लिए अच्छी लेंगे वो। तो ये सामने आ गया नेस्टो, नेस्टो के अंदर जाके देखते हैं बैटरी मिलता है या नहीं। तो मेरे को ये नहीं पता कि सोशल एरिया में हम वीडियोग्राफी कर सकते हैं या नहीं, इसलिए मैं जब कहीं पे भी जाता हूँ तो वहाँ पे वीडियो क्लोज कर देता हूँ। हाँ, लास्ट टाइम एक शॉप में गया तो उस भाई ने बोला कि भाई वीडियो बना सकते हो, तो मैं बनाया। लेकिन यहाँ पे शायद वीडियोग्राफी जो है वो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो वीडियोग्राफी बंद कर देता हूँ। तो अब अंदर घुसने लगे हैं, देखते हैं बैटरी मिलता है या नहीं। हाँ तो दोस्तों बैटरी यहाँ पे मिल गई, लेकिन वो बोलता है कि बैटरी पहले अपनी वॉचेस साथ में लेके आओ, क्योंकि इनके मॉडल के हिसाब से बैटरी दूंगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी, आपकी घड़ी भी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए उसने बोला ले जा सकते हो, लेकिन कल को घड़ी ख़राब होती या कुछ भी होता तो उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं सोचा कि नहीं, पहले घड़ी लेके आते हैं। अब यहाँ से रूम ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर है, लेकिन मेरे को तो वॉक करना ही है आज, इसी बहाने ही यहीं पे वॉक हो जाएगी और अपना काम भी हो जाएगा। और दूसरी बात, मैंने यहाँ पे ऊपर गया तो मेरे को एक कार्ड होल्डर भी प्लस पर्स अच्छा लगा, तो मैंने वो बाय किया है। अभी फिर से वापस रूम पे जाऊंगा, रूम से जितनी भी घड़ी है सारी उठा के लाऊंगा और फिर उनमें बैटरी डलवानी है, क्योंकि अभी 2 घड़ी चल रही है, बाकी सारी बंद पड़ी है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि जाऊंगा कहीं पे, लेकिन वो होता ना छुट्टी के दिन, नहीं यार मस्ती करनी है, सोना है। तो चलते हैं लेके आते हैं घड़ी। अब पहुंच गए हम रूम पे और ऊपर से उठाते हैं घड़ी, फिर घड़ी लेते ही वापस दोबारा निकालना है। देखो यहाँ पे लिफ्ट भी लगी है, लेकिन मैं लिफ्ट यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि वॉक के साथ लिफ्ट क्या यूज़ करना। तो दोस्तों घड़ी मिल गई है, ठीक है, हम सबको इसमें डालते हैं और उसके बाद इसी को लेके जाएंगे टोटल को, जैसे डन। हाँ तो दोस्तों हमने ले लिया है अपना वॉचेस अपने हाथ में और चलते हैं, इनमें बैटरी डलवा के लाते हैं। थैंक गॉड मेरे को सभी वॉचेस एक जगह मिल गई, ठीक है। तो जैसे थी 2 वॉचेस चल भी रही थी, लेकिन उनको काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए मैं सोचा नहीं बैटरी नया डलवाते हैं। और वॉचेस भी ऐसी है कि उनको फेंकने का मन भी नहीं करता, ठीक है। तो होता है दुनिया चेंज करवाती, हम भी करवाएंगे, लेकिन अब की बार जब इंडिया जाना है तो ब्रदर को देखे होंगे 2-3, अगर उनको पसंद आई तो फोर्स नहीं करना उनको।
सामने की वो है मार्केट शुक्बन राशिद। यहाँ पे अच्छी लाइट है, अच्छी है, ज़बरदस्त है, रौनक है इस टाइम में। ड्यूटी इस टाइम से पहले फ्री हो जाने चाहिए बंदा, था शाम को इस टाइम में रौनक में घूमे थोड़ा इधर उधर। ये तो अकेला बंदा यहाँ पे क्या भी करेगा, फ्रेंड लोग भी ड्यूटी पे है, वो भी 10 बजे फ्री होंगे। लेकिन आज का व्लॉग इसी पे हो गया, वॉक पे निकले और वॉचेस ठीक करवाई। ठीक तो क्या है तो ठीक ही, बट शायद उनमें बैटरी की प्रॉब्लम है तो वो डलवा लेंगे। से हम आ गए नेस्टो के पास और चलते हैं अंदर, बोलते हैं उस भाई को कि बैटरी डालो भाई। अब दोस्तों लगभग वॉक भी हो चुकी है, रुक रुक के वॉक हुई है, लेकिन लगभग 6 to 7 किलोमीटर हो चुकी है। हाँ तो दोस्तों अपनी वॉचेस होगी रेडी, और भाई ने ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए एज पर इंडिया, इंडिया के आप बोल सकते हो 1050 रुपीज़ समथिंग लाइक, और 5 घड़ी के सेट डाल के दिए हैं। अगर इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक है, ये नॉर्मल रेट है यहाँ का। 1 रियाल 1 घड़ी का लिया है, ठीक है, लेकिन बैटरी वही डाली है जिस कंपनी की घड़ी है, सबसे अच्छी बात ये है। कॉटेज की है उसकी डाली है, एल्डो की है तो उसमें एल्डो की बैटरी डाली है, तो जो वॉच है उसी के अकॉर्डिंग उसने बैटरी डाल के दी है, मेरे को सबसे अच्छी बात यही लगी। और हाँ तो दोस्तों आज के दिन की वॉक हुई कंप्लीट, और उसमें 2 काम कर लिए, एक तो बाइक की है ये कार्ड होल्डर, ऊपर से एक वॉच में है जो बैटरी वगैरह डलवानी थी वो डलवा ली, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, गुड नाइट।